हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा, विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास सिक्स में चैप्टर 11 प्रायश्चित के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन है भाव स्पष्ट करो। इसका देखिए, बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। यस, इसका अर्थ है बिल्ली के घर में उत्पात मचाने से बहू को परेशानी होती है, जबकि बिल्ली की हर तरफ मौज थी। माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। यस, इसका आंसर है जीवन चाहे मनुष्य का हो या किसी अन्य जीव का, वह अनमोल होता है। नेक्स्ट, ग शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। आंसर, यदि मनुष्य भूलवश कोई गलती कर बैठे तो वह उसका पश्चाताप करके सुधार कर सकता है। बेटा, भूल वंश नहीं है, वश करिएगा इसे। ओके, यस, आगे देखिए। अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। यस, देखिए, अब तो आपकी हर आज्ञा का पालन करना ही होगा और आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए बेटा, रामू की बहू की जान आफत में क्यों थी, घर का सारा सामान कौन खा जाता था। कबरी बिल्ली को अब मौका मिला, अब वह भी दूध पर जुट गई। रामू की बहू जी जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे यानी कबरी बिल्ली के मजे हो गए। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। नेक्स्ट है, रामू की बहू ने क्या योजना, क्या मोर्चाबंदी की। आंसर है, रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। देहरी यानी गेट पर, दरवाजे पर। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी बिल्ली दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। यस, ग क्वेश्चन देखिए, रामू की बहू ने जो खीर बनाई उसका क्या हुआ। यस, देखिए, रामू की बहू ने खीर बनाई, पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। यस, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रख दिया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू उसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी यानी अंदाज लगाया और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग लगा दी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा छन छनाहट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। आवाज रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। यस, नेक्स्ट है बेटा, बिल्ली को मारने के लिए किसका प्रयोग किया गया। आंसर है, बिल्ली को मारने के लिए उसने पाटे का प्रयोग किया यानी पट्टे का। बिल्ली मारने के बाद रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा। मेहरी बोली, अरे माँ जी, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या के बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर से हत्या
जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक है, ठीक कहती हो। जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए, तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? यस, नेक्स्ट है, पंडित जी ने पंडिताइन से क्या कहा? पंडित जी ने पंडिताइन से मुस्कुराते हुए कहा, भोजन मत बनाना लाला, धनी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। यस, कितने तोले की बिल्ली बनवाने की बात तय हुई? आंसर है, 11 तोले की बिल्ली बनवाने की बात तय हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भाषा ज्ञान पर्यायवाची, पूजा का विनती आराधना, दूध दुग्ध क्षीर, घर गृह सदन, फूल पुष्प सुमन, सोना स्वर्ण कंचन। ये बेटा वाक्य बनाने हैं, आप खुद बनाएंगे वाक्य। ओके, यस, ये है, ये अपने आप ही करेंगे बेटा। ओके, तो बुक में फिल करेंगे आप, क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करेंगे और इसे लर्न करेंगे। ओके बेटा, बाय बेटा।